गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपने पहले लेक्चर में सेल एनवेलप्स पार्ट वन में सेल वॉल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस, उसका केमिकल कंपोजिशन, थिकनिंग्स ऑफ सेल वॉल, सिंपल पिट्स, बॉर्डर्ड पिट्स एंड फाइनली फंक्शंस ऑफ सेल वॉल के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दूसरा सेल एनवेलप है। प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल होती है जो कि डेड होती है, और उस सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि एक लिविंग स्ट्रक्चर है। सभी कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य है वो एक सजीव मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ रहता है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य कला कहते हैं। नेगेली एवं क्रेमर ने 1855 में इस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन तथा प्लोव 1931 ने इसे जीव द्रव्य झिल्ली का नाम दिया। यह प्रोटोप्लाज्म का वह बाह्य जीवित एक बाउंड्री है जो उसे बाह्य वातावरण से पृथक रखती है, तथा कोशिका में प्रवेश करने वाले या उससे बाहर जाने वाले आयनों और अणुओं पर नियंत्रण रखकर कोशिका का एक कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस बनाए रखने में मदद करती है। यह झिल्ली ठोस, अघुलनशील, इलास्टिक एवं सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। यह कोशिका द्रव्य का ही हिस्सा है और इसको निर्माण करने के लिए कोशिका द्रव्य के अणु ही सतह पर विशिष्ट विन्यास में संगठित होकर इसको बनाते हैं। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति तथा कोशिका द्रव्य के बीच में पाई जाती है, जैसा हमने पहले कहा, किंतु जंतु कोशिकाओं में यही कोशिका का बाह्य आवरण होती है। ये बहुत ही पतली संरचना है, अतः इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे जनरल फीचर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली पतले स्तर के रूप में कुछ अणु मोटी स्ट्रक्चर है, जो कि 60 एंगस्ट्रॉम से लेकर 105 एंगस्ट्रॉम तक थिक हो सकती है। इसकी थिकनेस हम एंगस्ट्रॉम में लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा थिक है। हमने पहले भी कहा कि हम इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये सिर्फ प्रोटीन और मेनली प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी हुई होती है। प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन ही विभिन्न पदार्थों के आवागमन के लिए एक पंप द्वार, एक रिसेप्टर तथा एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। और इसके अलावा ये जो प्रोटीन्स हैं, यही एटीपी सिंथेसिस में मदद करते हैं। और झिल्ली में पाए जाने वाले जो लिपिड्स हैं, वो प्रोटीन की क्रियाशीलता के लिए उचित वातावरण बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो है एक तरह से सिम्बायोटिक जो है वो फंक्शन होता है। एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, झिल्ली एक असममित रचना है जिसमें बाहर और अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है वो प्रायः डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। और हमने ये कहा ही है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये जल के अणुओं के लिए तो पूर्णतया पारगम्य है, जल के अणुओं को तो पूरी तरह से आने जाने देती है, किंतु अन्य पदार्थों के लिए ये सेलेक्टिवली परमेबल है, यानी कि कुछ को आने दे सकती है और कुछ को नहीं आने देती। नाउ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रासायनिक संरचना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रासायनिक संरचना के दो मुख्य अवयव हैं, लिपिड फ्रैक्शन एवं प्रोटीन फ्रैक्शन। इसके अलावा बहुत कम मात्रा में 1 से 5% तक कार्बोहाइड्रेट तथा 20% तक इसमें वाटर की प्रेजेंस होती है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड की जो अपेक्षित जो मात्रा है उसमें अलग अलग हो सकती है, उसमें भिन्नता पाई जा सकती है। लिपिड फ्रैक्शन में प्लाज्मा झिल्ली की संपूर्ण रासायनिक संरचना में लगभग 20 से 79% तक लिपिड्स पाए जाते हैं। मेन जो है वो लिपिड्स होते हैं, इसमें 20 से 79% तक लिपिड्स पाए जाते हैं। और
जो ये मेम्ब्रेन्स है इनमें जो जो मुख्य लिपिड अवयव हैं वो है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल तथा ग्लाइकोलिपिड। और अगेन विभिन्न कोशिकाओं में इनकी जो अपेक्षित जो कंसंट्रेशन है किसकी, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड की, वो डिफरेंट हो सकती है। ये ऋणावेशित होते हैं और लिपिड्स जो हैं ये प्रोटीन की पारस्परिक क्रियाओं के कारण कला में जो मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन के साथ जुड़े रहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड एक संरचनात्मक आधार बनाते हैं तथा पारगम्यता नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक लिपिड अणु में दो भाग होते हैं जिनमें से एक भाग सिर हेड या पोलर एंड जो कि जल में घुलनशील होता है, दूसरा नॉन पोलर एंड होता है या टेल पार्ट होता है जो कि जल में अघुलनशील होता है। लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 4.5 mm मोटी एक बाई लेयर बनाते हैं जिसमें जो नॉन पोलर है वो अंदर की तरफ, जो पोलर है वो बाहर की तरफ डिपॉजिटेड होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है प्रोटीन फ्रैक्शन। प्रोटीन सभी लिविंग जो मेम्ब्रेन्स हैं उनका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है और झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा लगभग 50% तथा लिपिड की मात्रा भी 50% होती है। किसमें? यूकेरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दोनों की 50-50 होती है और अलग अलग में इनका जो वो है वो इनकी दोनों की सांद्रता जो है वो अलग अलग हो सकती है। प्लाज्मा कला में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ये हम आगे जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब भी हम बताएंगे इसको। इसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स तथा इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इनमें से बाह्य प्रोटीन जो है, पेरिफेरल जो प्रोटीन है उनको आसानी से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये सरफेस पर पाए जाते हैं, जबकि जो आंतरिक प्रोटीन है वो लिपिड की द्वि-बाई लेयर में प्रवेश कर जाने के कारण हमेशा इसके साथ जुड़े रहते हैं तो उनको अलग करना आसान नहीं होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, यूकैरियोटिक सेल्स में झिल्ली में 2-10% तक कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाए जाते हैं और अन्य कार्बोहाइड्रेट जैसे हेक्सोस, हेक्सोजेमाइन, फ्यूकोस या सियालिक एसिड आदि भी पाए जाते हैं और ये झिल्ली की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन से जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स हैं, विभिन्न प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कम से कम 30 के करीबन एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनमें मुख्य एंजाइम जैसे 5' न्यूक्लियोटाइडेज, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस एक्टिवेटेड, ATPase, एल्केलाइन फास्फेटेज, RNAs आदि, इस तरह से करीबन 30 एंजाइम्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और इसके अलावा वाटर एवं सॉल्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ लवण भी पाए जाते हैं और जल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा है ही, हमने कहा 20% के आसपास जो है वो जल पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। नाउ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा हमने पहले कहा कि मुख्य रूप से ये बाई लेयर स्ट्रक्चर है जिसमें आउटर प्रोटीन लेयर लिपिड बाई लेयर एंड इनर प्रोटीन लेयर, इस प्रकार से ये एक बाई लेयर स्ट्रक्चर है इसका। तो इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो जो आउटर प्रोटीन लेयर, आउटर डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन्स, दिस इज आउटर प्रोटीन लेयर, ये है प्रोटीन की बनी होती है 20 angstrom की इसकी थिकनेस होती है। और जो इनर डेंस लेयर है, इनर प्रोटीन की जो लेयर है ये भी 20 angstrom की होती है और ये दिस इज टूवर्ड साइटोप्लाज्म, दिस इनर प्रोटीन लेयर इज टूवर्ड साइटोप्लाज्म, जिसे हमने कहा था कि इसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। एंड मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ, ये करीबन 35 angstrom मोटी होती है और ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है जिसमें लिपिड के जो हाइड्रोफोबिक एवं हाइड्रोफिलिक सिरे होते हैं, इनको हम जब इसका मॉडल देखेंगे तो इसमें हम इसको
ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो छिद्र पाए जाते हैं जिनका व्यास करीबन 10 एंगस्ट्रॉम होता है और इनकी सतह जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सतह है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे, इसकी जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए थे, तो हम उनमें से इस मॉडल का अध्ययन करेंगे, फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो संरचना है वो दो प्रकार के अणुओं से होती है, ये हमने पहले भी बोला है, प्रोटीन और लिपिड, और इन अणुओं की व्यवस्था प्लाज्मा लेमा को एम्फीफेटिक कैरेक्टर वाली बनाती है, उभयधर्मी गुणों वाली बनाती है। तो बहुत सारे मॉडल्स दिए हैं, उसमें से ये एक मॉडल है जिसको कि जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अल्ट्रा मोलिकुलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। इस मॉडल को एस जे सिंगर तथा जी निकोलसन ने 1972 में दिया और इस संरचना को बहुत से लोगों ने मतलब इसको स्वीकार किया है, इसलिए हम भी इसी को ले रहे हैं। इस मॉडल के अनुसार जो जो जैविक मेम्ब्रेन्स हैं, जो लिविंग मेम्ब्रेन्स हैं, वो सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर्स हैं। फ्लूइड मोजेक में वो कहता है कि दीज आर सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर्स, दीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर्स, जिनमें लिपिड जो है वो दो परतों में व्यवस्थित रहते हैं, 1 और 2। लिपिड जो है वो दो परतों में व्यवस्थित रहते हैं तथा प्रोटीन अणु अलग अलग रूप से इनमें धंसे रहते हैं, ये और ये। इस प्रकार से ये जो लिपिड अणु है, ये प्रोटीन अणु है, ये दो प्रकार से इनमें लिपिड अणुओं में धंसे रहते हैं। सिंगर के अनुसार प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड बाह्य प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि बाह्य प्रोटीन है। तो लिपिड की जो द्विपरत है, ये जो लिपिड की जो द्विपरत है, ये आंतरिक प्रोटीन मोजेक फैशन में व्यवस्थित होकर एक प्लाज्मा लेमा का जो है एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाती है। ये आंतरिक प्रोटीन एक कंटिन्यूअस लिपिड बाइलेयर में, ये जो दोनों है, ये लिपिड बाइलेयर में आंशिक रूप से या पूरी तरह से जो है ये इसमें अंतर्विष्ट रहती हैं, इसमें समायोजित रहती हैं। इसमें इसके जो नॉन पोलर समूह जो है लिपिड के बीच में तथा पोलर समूह जो है वो कलर इसकी सतह से बाहर निकले हुए रहते हैं। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो इसकी सतह पर पाई जाती है, दिस इज सरफेस पर पाई जाती है इसकी पे, और जो आंतरिक प्रोटीन है उसके ध्रुवीय सिरे बाहर होने के कारण विभिन्न एंजाइमों तथा एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन के सक्रिय स्तर प्लाज्मा कला की सतह पर होते हैं। प्लाज्मा कला का अर्धतरल रूप होने के कारण ही लिपिड एवं छोटे आकार के प्रोटीन द्विपरत के अंदर ही अंदर गतिशम्य बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है फ्लूइड मोजेक मॉडल है प्लाज्मा लेमा का, जिसमें हमने कहा कि लिपिड जो है वो बाइलेयर में है, बाहर की तरफ जो है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और अंदर की तरफ जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और इसके जो जो ये हैं अपने जो लिपिड्स हैं इनके दो प्रकार के एंड्स हैं, हाइड्रोफिलिक एंड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। अब आता है प्लाज्मा कला के फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स प्लाज्मा लेमा के। फर्स्ट इज परमेबिलिटी, पारगम्यता। सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। ये कोशिका के अंदर तथा बाहर कोशिका से बाहर पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रित करती है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य में घुलनशील पदार्थों की सांद्रता में ये भिन्नता बनाए रखती है। इसमें पाए जाने वाले छिद्र, जिनको हमने कहा कि वो 10 एंगस्ट्रॉम के व्यास वाले होते हैं, वो छिद्र जो हैं वो पदार्थों का जो आवागमन है उसको नियमित करते हैं। कुछ कम अणुभार वाले पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल इसमें से आसानी से गुजर जाते हैं, किंतु अन्य पदार्थ जैसे सोडियम आयन, प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड्स जो है वो बहुत कठिनाई से गुजर पाते हैं, और जो
इसकी जो पारगम्यता है, इसकी जो परमेबिलिटी है, वो पोटेशियम आयन की सांद्रता के परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। तो इसमें जो मुख्य जो इसकी परमेबिलिटी को जो कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है वो क्या है, पोटेशियम आयन की सांद्रता। इसके अलावा मिश्रित होने वाले अणुओं का आकार, उनकी लिपिड में विलेयता, कोशिका के अंदर व बाहर उनका सांद्रण तथा विस्तृत कणों पर विद्युत आवेश सभी पारगम्यता को प्रभावित करते हैं। कोशिका कला के द्वारा कोशिका में विभिन्न पदार्थों का जो इंटेक है वो अलग अलग क्रियाओं द्वारा होता है, जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तीनों परमेबिलिटी के पार्ट हैं। ये हम समझ सकते हैं ऑस्मोसिस में। प्लाज्मा झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जो कि उच्च सांद्रता तथा निम्न सांद्रता वाले घोलों को पृथक करती है। ये परासरण की क्रिया द्वारा कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थों को डिफ्यूज नहीं होने देती। इसके अलावा डिफ्यूजन, जब बिना ऊर्जा का उपयोग किए हुए इससे पदार्थ जो है वो मिश्रित हो जाते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब यहाँ पर ऊर्जा का उपयोग होता है तब उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके अलावा एक मुख्य जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है फेगोसाइटोसिस, कोशिकाशन या कोशिका भक्षण। तो किसी भी कोशिका में प्लाज्मा कला द्वारा ठोस पदार्थों का सीधा भक्षण जो है वो फेगोसाइटोसिस कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिन पदार्थों को या जिन कणों का भक्षण करना होता है वो सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर अवशोषित हो जाते हैं, और फिर इन कणों के चारों तरफ एक कूटपाद या अंतर्वेशन द्वारा रिक्तिकाएं बन जाती है, और फिर ये जो प्रत्येक रिक्तिका है ये फेगोसोम कहलाती है जो कि फिर कोशिका द्रव्य द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, और कोशिका में फेगोसोम लाइसोसोम से मिल जाते हैं और इनका पाचन हो जाता है। तो जो अपचित अवशेष जो है वो प्लाज्मा कला द्वारा बाहर छोड़ दिए जाते हैं, है ना। इस प्रकार से जो है वो फेगोसाइटोसिस की क्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल है जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो जीवाणुओं का भक्षण करती है। दूसरा आता है टिनोसाइटोसिस। इस क्रिया में प्लाज्मा कला द्वारा तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है। इस क्रिया द्वारा अधिक आणविक भार वाले प्रोटीन जैसे राइबोन्यूक्लियस आदि जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्लाज्मा कला द्वारा कोशिका में प्रवेश करते हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं कि इसमें प्लाज्मा कला जो है वो माइक्रोवेक्यूल्स बनाती हैं या इनवेजिनेशंस बनाती हैं जिसमें तरल पदार्थ आ जाते हैं, इनको हम पिनोसोम्स कहते हैं, और फिर ये कोशिका के अंदर आकर लाइसोसोम्स के द्वारा इनका पाचन हो जाता है। सो दिस इज पिनोसाइटोसिस। इसके अलावा सेल रिकग्निशन, बायोजेनेसिस ऑफ ऑर्गेनेल्स, एंड एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मटेरियल्स, जो ये सारे जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं। इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जनरल फीचर्स, देन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाद में हमने देखा मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिया, और उसके बाद में अंत में हमने देखा फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है ये समझ में आ गया होगा और आप इस पर अच्छी तरह से क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। थैंक यू।